गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज 9 बज गए हैं, आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। भाई सुबह सुबह पता नहीं किसी की बारात जो है वो निकल रही है, बैंड बाजे की आवाज आ रही है। अगर आप लोगों की भी आवाज आ रही हो बैकग्राउंड म्यूजिक, आई मीन सुबह सुबह बारात, ये हैरान कुन बात है। शायद कहीं दूर जानी होगी शहर के बाहर, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि इतनी सुबह में कोई बारात लेकर जा रहा हो। खैर एनीवे, आज का दिन बहुत बिजी गुजरने वाला है क्योंकि आज हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट। सो उनके लिए खाने की तैयारी करनी है और लंच पर आ रहे हैं, तो भाई इसलिए काम भी करना है, किचन का काम भी करना है। तो आज का दिन मुझे लग रहा है काफी ज्यादा बिजी जाने वाला है। और मेन्यू में क्या है वो तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। मेन्यू में है बिरयानी, है चिकन कोरमा है। जो लोग वेजिटेरियन उनके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि भाई अब यहाँ पर एक ऐसा ही ट्रेंड है और कल्चर है, अगर आप किसी के सामने वेज फूड रख देते हो ना, लाइक खाने में कोई एक भी नॉन वेज फूड हो तो लिटरली बुरा मान रहे थे लोग। मतलब बुरा इन द सेंस के एक हर जगह का एक यू नो ट्रेडिशन होता है बोल सकते हैं, या एक एक तरीका होता है। सो बस उसी तरीके को ही फॉलो किया जाता है, तो हम भी आज उसी तरीके को फॉलो करते हुए सुबह सुबह उठ के हैं लेट, और अब हम लोग जा रहे हैं किचन में। हम से मुराद सिर्फ मैं हूँ, अबू को मैंने कॉल कर दिया, अबू नीचे आ रहे हैं। सो मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर उसके बाद काम करूंगी, फिर उसके बाद किचन में जाऊंगी और आज कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later, मेरा कैमरा डांस कर रहा है इस टाइम पे। कैमरा तो नहीं है, आप डांस कर रहे हैं। नहीं, मैं कैमरे को ऐसे से शेक कर रही हूँ पागल, तो पता ही नहीं चल रहा। सो गाइस, सुबह में मैंने बताया था ना आप लोगों को कि शादी है, तो अभी तक मुझे लग रहा है बारात शायद निकली नहीं है। मतलब हम लोग वीडियो बना रहे हैं और ये लोग पीछे से तंग करी जा रहे हैं। 9 बजे जो है इन्होंने बैंड बाजे बजाने, मुझे लगा तब निकल रहे हैं, लग रहा था किसी दूसरे शहर में लेकर जानी होगी। ठीक है, चले किसी दूसरे शहर में भी लेके जानी है, फिर एक बार ही बैंड बजाएगी, दो दो बंदे लेके जाने अलग अलग शहर में। और रात को भी इन लोगों ने सोने नहीं दिया, इतने गाने, इतनी ऊंची आवाज। चलो ठीक है, एंजॉय कर रहे। वैसे सारे बॉलीवुड के गाने थे और पुराने पुराने गाने भी लगाए हुए थे, मैंने पायल है छनकाई, सुन रहा था मौसम। हाँ। सो बस अच्छे गाने लगाए हुए थे लोगों ने ना, और फिर नए नए गाने भी थे। बट खैर ये है कि अभी हम लोगों को काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है भाई इनकी वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड में काफी ज्यादा यू नो शोर आ रहा है। पर खैर थोड़ी देर वेट करते हैं, और अगर ये निकल जाते हैं तो हम इनको थैंक यू बोलेंगे, भाई चले जाओ, बाकियों ने भी काम करना है। तो जनाब मेरी बहन ने बना दी है बिरयानी, जो कि दम पे रखी हुई है, चेक करे। ओ हो हो हो, क्या खुशबू आ रही है, वाह। अभी इसको दम लगने देते हैं। और दूसरी साइड पे बन रहे हैं कोफ्ते, तो बस अभी हम खाना लगाने लगे हैं और उसके बाद खाना खाएंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी बच्ची है। Ceiling fan blowing cold breeze on your body, I can't tell you really what it is but you got it, makeup in the morning you got dresses। भाई मेरा आज हैप्पी बर्थडे कर लो। चलो ये केक काटे, केक काटे हरी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, दूसरी साइड से। हैप्पी बर्थडे, चल कर दे। और मौजम साहब, और कहा मैडम ये क्या कर रहे हैं? अरे माया के अब्बे का नाम क्या था? हाँ माया, नहीं मैं मुर्दा तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सिचुएशन ये चल रही है, ये लोग कोई ड्रामा देख रहे हैं। हेलो हेलो निसार साहब, अभी जरा सिचुएशन भी समझा दे, हो क्या रहा है? यह ड्रामा है, फ्रॉड। हाँ। बड़ा मजे का ड्रामा है। और ये सारे देख रहे हैं। मैंने कितने दिनों में, 6 दिनों में 23 एपिसोड देख लिए। हाँ, और अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। 10 एपिसोड उसके रह गए हैं। हाँ। 2-4 दिनों में वो भी खत्म कर दूंगा। नहीं, करेक्टर्स की डिस्कशन क्या चल रही है, मतलब एक एक करेक्टर का नाम लिया जा रहा है। कहाँ पूछ रही थी इसकी माँ का नाम, बाप का नाम, पता नहीं किस किस का नाम। मैंने कहा ये कौन सा एग्जाम हो रहा है। असल में वो जो है ना, जो बीच में करेक्टर है तूबा, उसका नाम नहीं था याद आ रहा, जो दूसरा करेक्टर जिसका उसकी शादी हुई है, वो बंदा फ्रॉडी है। अच्छा, वो सारी दौलत है आने वाला उसके, और माँ को ना हॉस्पिटल पहुंचाने वाला उसकी। मतलब तेरे जैसे किसी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया है? नहीं नहीं, दौलत हथियाने वाला। मैंने किसकी दौलत हथियाई है? मजाक कर रही हो ना, तो आज अमीर करोड़पति में नीचे फॉर्च्यूनर होती। मौजम तू ही होता, हम जो ना होते तू हमें कौन सा देता। मौजम, आई एम जोकिंग। पता है मुझे लास्ट पास का।
लेकिन मैंने भाई मैं अंदर सुनी, मैंने कहा ये लोग क्या डिस्कस करते हैं, जाकर पूछती हूँ उन लोगों से। बस डिस्कस कर रहे थे, इसे लगा था कि मुझे उसकी माँ का, माया की माँ का नाम नहीं था पता होगा, तो मुझे पता था शहनाज नाम। अब पता चल गया। हाँ। तो क्या मिला तुम्हें इसी तरफ से, ऐसे डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं कोई गेम शो चल रहा है। काम करो काम, वॉशरूम में काम करने जा रहा है जनाब। इस इंसान को देखें, ये पागल हो गया इस ड्रामे के पीछे, सुबह दोपहर शाम ड्रामा ड्रामा ड्रामा, काम के बीच में जब भी इसको टाइम मिलता है ड्रामा। मैंने यहाँ तक सुना है कि ये रात के 2 बजे भी देखता है, आवाजें आती हैं कोई इसके, इसका जो क्या बोलते हैं गाने को, क्या बोलते हैं इसके, हाँ चल पी कॉफी, हर टाइम कॉफी पीता रहता है। खैर भी खैर, अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ किचन में, क्योंकि हम लोग बनाने लगे हैं पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, और ये बन रहा है इस रोज़ेदार की फरमाइश पे। आज इसने फास्ट किया हुआ है और ये मेरे लिए फ्रूट्स भी लेकर आई है, लेकिन इसको बोनस ये मिल रहा है फास्ट करने का, एक तो खाला इसकी इसको वाइट सॉस पास्ता तो बनाकर दे रही हैं, दूसरा खुद ही बता दे रोज़ेदार क्या फ़ायदा हो रहा है रोज़ा रखने का। दो फायदे हो रहे हैं। हाँ क्या, पास्ता मैं बना रही हूं, मौजा मामू पिज्जा खवा रहे हैं, देखो देखो के रोजा रखने के बाद इतना खाना नहीं खाना चाहिए जितना ये खा रही है। ओके एनीवे बाजी, आपको पता है 200 रुपए पाओ स्ट्रॉबेरीज, केले थे बेचारे बहुत ही छोटे छोटे, केले भी 200, केले कम लग रही है, केलियां ज्यादा लग रही हैं भाई। स्ट्रॉबेरी वैसे हमेशा से महंगी रहती है, स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी शुरू से ही महंगी मिलती है, जब भी इसका सीजन आता है। मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि हम लोगों ने कभी सस्ती स्ट्रॉबेरी खाई हो, अब क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब तो चलो और वो कहते ना आसमान से बातें करना वो वाला हिसाब हो गया है। अदरवाइज जब स्ट्रॉबेरी का थोड़ा ही सीजन आता है, कोई 2 महीने आती है मेरे ख्याल में, है ना, मैं आती मार्च में, और भाई हमारे घर के पास भी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं कहीं पर, ये नो लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, तो हम लोग वहां पर, मैं कोशिश करूंगी किसी दिन हम लोग वहां से फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेकर आए। कल भी दावत थी, आज भी दावत ही हो रही है, मुझे तो लग रहा है खाना इतना ज्यादा हो रहा है ना, कल भी एक दावत थी और आज हम कहा की दावत करें, देखते हैं भाई कैसा बनता है आज मेरे से व्हाइट सॉस पास्ता। मैंने सोचा था कि मैं बस फ्रूट्स खाऊंगी, फिर मैंने कहा मेरी इफ्तारी कर दे, उन्होंने बोला कि नहीं आज नहीं, फिर इनका प्लान बन गया, मामू कहते हैं कि चलो मैं भी करवा देता हूँ, मामू ने मैंने इसको पीछे से कहा चल चल बोल दे मौका मिल रहा है, मौका मत गवा, क्या बोलूं क्योंकि पास्ता वाइट सॉस है ना, ये भी हैवी हो जाएगा। फिर खाला ने बोल दिया पास्ता खा लो, ओहो पिज्जा खा लो, पी से पास्ता पी से पिज्जा। फिर मैं जब भी मुझे कोई बात बोलती है ना, तो मैं बोलती हूँ नहीं, वो ऐसे मैं जानबूझ के बोलती हूँ फिर हालांकि दिल में मुझे पता होता है कि मैंने कर देना है, पर मैं इसको पहले बोलूंगी नहीं, फिर उसके बाद ओके कहा कर लेते हैं। पहले भी ऐसे होते, हमने पहले भी पास्ता बनाना था, तो तुम पास्ते की फरमाइशी मेरे से इतनी ज्यादा करती हो, जो आप ज्यादा अच्छी बनाती है मैं उसकी फरमाइश करूंगी ना, मैं अच्छा ही कुछ कुछ बनाती हूँ, जैसे पास्ता हो गया और मैक्रोनीज हो गई, हाँ मैक्रोनीज वगैरह, सूप तो इन्होंने पिलाया नहीं 4 साल हो गए, ऐसे सूप आते नहीं बनाया, ये मौसम चला गया। तो ये देखें जी, ओए होए होए, ये क्या बनाने लगी हो, स्ट्रॉबेरी का रोजेदारों अल्लाह के प्यारो, ये है भाई मैं बता रही हूँ हेल्दी फूड भी खा रही हूँ ना, ये देखो मिल्क शेक है, साथ में फ्रूट सैलेड है, और रोजा खोलने से पहले स्ट्रीक्स बनाई जा रही हैं ताकि हम शेयर करेंगे हम क्या खाते हैं। बस टाइम होने वाला है, कितना टाइम रह गया, 6:10 6:10 आज फाइनल स्टेज पे पास्ता, फिर मैडम के आगे लाकर उसको सर्व करेंगे। तो जनाब ये वाइट सॉस मेरी हो गई है रेडी, आज मैंने इसलिए नहीं प्रॉपर दिखाया भाई क्योंकि पहले भी मैक्सिमम मुझे लग रहा है किसी ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ, बस अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है, चीज़ वगैरह क्रीम वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, वेजिटेबल्स ऐड करूँगी और फिर पास्ता ऐड करूँगी और फिर हम लोग खा लेंगे। ओ जनाब पास्ता इज रेडी और बहुत बहुत मज़े का बना है, इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है, इसलिए कि वाकई में मुझे मज़े का लग रहा है। हाँ जी रोज़ेदारों अल्लाह के प्यारो, बहुत अच्छा है ना, स्वाद आ गया। तो अभी मैं फिनिश करूँगी अपना पास्ता, क्योंकि मैं पास्ता खाते हुए इंजॉय करना चाहती हूँ, फुल मज़ा लेना चाहती हूँ खाने का। और जनाब बज रहे हैं 7:00 और कहाँ लेकर आ रही है पिज़्ज़ा, ये यार 7 अप क्यों,
उसको वापस करने दी। उसने बोला कि इसमें ना शो ही नहीं हो रहा था कि कौन सी है। तो क्या ना सेवन अप कौन पीता है, बीमार है क्या? पीनी है तो फिर हम काला पानी पियेंगे ना हम। यार हरीन पिज्जा आया और ये क्या है साथ में, ब्राउनी है क्या? नहीं ये गार्लिक ब्रेड है। वाह पिज्जा ये यम्मी। मामू को तो बुला ले वरना यम्मी खाओगी आप? बहू बुला के लाओ और मामू को बुला के लाओ। ओह ये क्या डिप सॉस है? यार आपने ही खानी है ब्रेड। चलो ले लो ले लो, एक बाइट ले लो। हेलो आप क्या लेने आई हैं? पूछो खाला आप क्या लेने आई हैं? पूछो खाला। पूछो नहीं खाला। भाई पिज्जा खोलते हैं। वाओ बड़ा है ना ये। वाजे देखो मरीजा वाली बोतल सामने दे गया। यम्मी यम्मी चलो खाएं। पता नहीं है कि ये डिप सॉस है। ओके तो हम लोग खाने लगे हैं पिज्जा पिज्जा पिज्जा। आपने खाना है हरीम? नहीं नहीं खाना। इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं बट मैं कहूँ का दिल नहीं तोड़ सकती तो इसलिए मैं पिज्जा खाने लगी हूँ। कहा दिल में कह रही है तुम मेरा तोड़ दो खाला। खाते हैं और देखते हैं कैसा है। ब्रॉडवे का पिज्जा है। पिज्जा हट का भी पिज्जा अच्छा होता है बट ब्रॉडवे का भी अच्छा होता है। पहले आप वही खाती थी? नहीं पहले मैं वो वाला खाया। कभी नहीं खाया आपने? इतनी मरवा हम लोगों ने घर मंगवा मंगवा के खाए। पिज्जा हट का नहीं याद मुझे, पिज्जा मास्टर और क्योंकि हमने मंगवाए नहीं थे ना, वो हम मंगवाते थे हमें पता है। क्या क्या मेरा पिज्जा एक ही आया है तो एक ही आना था। तीन वाला नहीं मंगवाया बेटा, ये ब्रॉडवे से मंगवाया। अच्छा मीरो वाला पिज्जा, लोकल वाला नहीं मंगवाया। हां जी तीन पीस मुझे दे देना जी, मैं खा लूं। नहीं इधर बहुत है बुजी। यार यार वो बोतल ये वाली दे गया। ओए 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 चीज इतनी ज्यादा नजर ही नहीं आई। ऐ भूखा आदमी। चल चल खा। तूने पहले खाया ब्रॉडवे का पिज्जा? नहीं मामू गए तो थे हमारे साथ। हाँ गया तो था यार ब्रॉडवे था। हाँ जब तू मैं बदी सायमा और ये भी थी दोनों, ये दोनों हर जगह पर होती है हमारे साथ। जहाँ पर खाने में जगह होती है ना ये जरूर होती है। और इसको देखो सबसे पहले इसने खाना होता है, किसी का इंतजार भी नहीं करना होता तो सबसे पहले खाना होता है। नाम तो नहीं मिलना वैसे बाय द वे। ये पिज्जा जो है मौसम ने खिलाया। थैंक यू मौसम, वेलकम। थैंक यू कहा भाई। देखिए इसके अंदर कॉर्न्स भी हैं। सो हाँ ये मस्टर्ड है। ये क्या है? ये क्या मस्टर्ड है? ओ मस्टर्ड सॉस है, मुझे लगा कॉर्न्स है। यू लेडी? यस लेडा। मुझे सच में लगा मेरे का वाओ इसके अंदर स्टफिंग में कॉर्न्स हैं। वन आवर लेटर भाई मैंने मौजम के लिए एक मीम तैयार किया है और उसका रिएक्शन देखते हैं भाई मौजम का कि क्या होता है। सो अभी मौजम आ रहा है। मौजम को बुला कर लाती है इसको, देखती हूँ क्या करता है। भाई वो कह रहा पूरे 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। इंतजार कर लेते हैं भाई 2 मिनट इसका। मौजम का तवा लगाते हैं। खोल के हमारी बहन ने हमारे लिए क्या सरप्राइज बनाया। वॉल्यूम 100 पे। भाई ये देखो ये ऐसे लड़ते रहते हैं भाई, ये इस तरह से हमारे साथ करता है भाई, नाक और मुंह बनाता है। इनको लगता है ना ये बड़ा सीधा और चलाक है। ये मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रही इसी चलाकी। मेरी बहन बेचारी सुबह की गई थी अभी आई है काम से। बामा दिमारिश से A few moments later. मेरे फूल बूटे जो मेरे सर पर है इसको इग्नोर करें। तो मीम मैंने बनाया था ना आपको तो दिखाना था, वो मौजम ने डिलीट कर दिया। मतलब उससे गलती से डिलीट हो गया, उसने जानबूझकर डिलीट नहीं किया। उसको पता नहीं था कि ये वाली वीडियोस डिलीट नहीं करनी। गलती मेरी भी थी कि मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया उसको। बहुत ही मजे का एक बना था
मीम एनी को बात नहीं, और मीम्स मैं बना बना कर आपके लिए पोस्ट करती रहूंगी क्योंकि मुझे मजा आता है. बहुत मतलब हम लोग ये भी बोला था कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो भी दिखाया करें. तो बस भाई यही तो आज का ब्लॉग है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा खाना था आई नो, बट आप लोगों के साथ शेयर भी करना होता है कि भाई क्या क्या कर रही हूँ मैं, सब घर वाले भी क्या कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये था आज का ब्लॉग. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Till then, goodbye.